मोल मास कैलकुलेशंस। इस वीडियो में हम जानेंगे दैट व्हाट इज मोलर मास कैलकुलेट द मोलर ऑफ़ द फॉलोइंग: सोडियम नाइट्रोजन एंड सुक्रोज कैलकुलेटिंग द मास ऑफ़ अ गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस क्वेश्चन है ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इन ओजोन ड्यूरिंग थंड ऑफ ओजोन इज ओजोन पॉइंट 9.05 मोल ऑफ ओजोन इज फॉर्म इन अ स्ट्रॉम नेक्स्ट क्वेश्चन है When natural gas burns, carbon dioxide is formed. If 0.25 moles of carbon dioxide is formed, calculate the mass of carbon dioxide produced. मोल मास कैलकुलेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हम ये जाने कि मोलर मास क्या होता है द मास ऑफ वन मोल ऑफ पार्टिकल्स एटम्स मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स एक्सप्रेस इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोलर मास याद रखिए कि वन मोल पार्टिकल का मास चाहे वो एटम हो मॉलिक्यूल हो या फिर फार्मूला यूनिट हो जब इसे ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाता है तो ये मोलर मास कहलाता है या इन सिंपल वर्ड्स हम ये कहते हैं कि मोल मास इक्वल होता है मोलर मास के चाहे वो एटम का हो मॉलिक्यूल का हो या फिर फॉर्मूला यूनिट का हो तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से इजिली हम कैलकुलेट करते हैं मोलर मासेस ऑफ सोडियम नाइट्रोजन एंड सुक्रोज को सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मोलर मास ऑफ सोडियम को याद रखें कि अगर कोई एलिमेंट हमारे पास मेटल होगा तो इसका एटॉमिक मास जिसे ए में एक्सप्रेस किया जाता है ए यूनिट को रिप्लेस जब हम कर देंगे ग्राम से तो ये इक्वल हो जाएगा इसके मोलर मास के फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास ऑफ सोडियम जो कि इक्वल होता है ट्वेंटी थ्री के अब यहाँ पर यूनिट एटोमिक मास के लिए एम यूज़ किया जाता है जैसे ही हम ए यूनिट को रिप्लेस कर देंगे ग्राम से यानी 23 ग्राम हमारे पास इक्वल हो जाएगा वन मोल के सो इस तरह से वन मोल ऑफ सोडियम जो कि इक्वल होता है 23 थ्री ग्राम के ये हमारे पास है मोलर मास ऑफ सोडियम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन को याद रखें कि अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल की फॉर्म में तो इसका मॉलिक्यूलर मास जब हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम्स में तो ये इक्वल हो जाएगा इसके मोलर मास के जैसा कि हम जानते हैं कि मोलर मास के लिए जो यूनिट हम यूज़ करते हैं वो है ए एम यू जब ए एम यू यूनिट को रिप्लेस कर देंगे ग्राम से तो ये इक्वल हो जाएगा इसके मोलर मास के याद रखिए कि नाइट्रोजन डाई एटोमिक मोलिक्यूल है डाई एटोमिक मोलिक्यूल वो मोलिक्यूल होता है जब टू एटम्स कंबाइन होते हैं केमिकली तो इसके रिजल्ट में जो मोलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है वो डाई एटोमिक मोलिक्यूल कहलाता है और आप देख सकते हैं कि एन टू रिप्रेजेंट कर रहा है टू नाइट्रोजन एटम्स की केमिकल कंबिनेशन को मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा क्योंकि मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन को ही हमने ग्राम्स में एक्सप्रेस करना है तो तभी हमारे पास इक्वल हो जाएगा नाइट्रोजन की मोलर मास के मास ऑफ नाइट्रोजन को फाइंड आउट करते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक मास हमारे पास है फोर्टीन क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के टू एटम्स हैं दैट्स वाई हमने फोर्टीन एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई किया है टू के साथ और ये इक्वल हो जाता है हमारे पास ट्वेंटी एट के जो कि हमारे पास मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन है जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जब कोई एलिमेंट मोलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसके मोलिकुलर मास को जिसे ए में एक्सप्रेस किया जाता है ए की जगह जब हम इसे ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा इसके मोलर मास के सो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए यूनिट को हम रिप्लेस कर देंगे ग्राम से तो यहाँ पर ट्वेंटी ग्राम्स हमारे पास इक्वल हो जाएगा वन ऑफ़ नाइट्रोजन की जो कि मोलर मास ऑफ़ नाइट्रोजन कहलाएगा नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे मोलर मास ऑफ़ सुक्रोज को सुक्रोज जिसका केमिकल फार्मूला C12H22O11 है क्योंकि सुक्रोज एक मॉलिक्यूल है यही वजह है कि इसके मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा इसके मोलर मास के फाइंड आउट करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ़ सुक्रोज को सबसे कार्बन जिसका एटॉमिक मास है ट्वेल्व क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि सी ट्वेल्व रिप्रेजेंट करता है ट्वेल्व एटम्स ऑफ कार्बन को यही वजह है कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो कि ट्वेल्व है इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है ट्वेल्व के साथ प्लस हाइड्रोजन क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एच ट्वेंटी टू रिप्रेजेंट कर रहा है ट्वेंटी टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को यही वजह है कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन जो कि वन है इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है ट्वेंटी टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ प्लस ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास हमारे पास 16 है और क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 11 एटम्स मौजूद हैं यही वजह है कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 के साथ हमने 11 को मल्टीप्लाई कर दिया सो so ये इक्वल हो गया 342 एएमयू के जो, जो कि हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज अब जैसे ही हम एएमयू यूनिट को रिप्लेस कर देंगे ग्राम से जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 342 ग्राम हमने लिखा सो so ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास 1 मोल के और हम जानते हैं कि मास ऑफ वन मोल ऑफ सुक्रोज जो कि 342 फोर्टी टू ग्राम्स है ये हमारे पास मोलर मास ऑफ सुक्रोज कहलाता है नेक्स्ट कैलकुलेटिंग द मास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस यानी हमें किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे और इसका हमने मास फाइंड आउट करना है क्वेश्चन है हमारे पास ऑक्सीजन इज कनवर्टेड इनटू ओजोन ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स व्हाट इज द मास ऑफ ओजोन इफ 9.05 मोल्स ऑफ ओजोन इज फॉर्मड इन अ स्टॉर्म यानी जब गरज चमक के साथ तूफान आता है तो ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट हो जाता है यानी अगर 9.05 मोल्स ऑफ ओजोन इस तूफान के दौरान बन रहा है तो हमारे पास मास ऑफ ओजोन क्या होगा गिवन है नंबर ऑफ 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 ओजोन जो कि 9.05 ओजोन हमें गिवन है फाइंड आउट हमने करना है मास ऑफ ओजोन को मास ऑफ ओजोन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम मोलर मास ऑफ ओजोन को फाइंड आउट करेंगे और इसके बाद इस मोल्स को हम मास में कन्वर्ट कर देंगे ओजोन ओ थ्री क्योंकि एक मॉलिक्यूल है सो सबसे पहले हम इसके मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करेंगे ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास 16 है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है यही वजह है कि इसको थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू थ्री इक्वल होता है 48 एट ए एम यू के जो कि हमारे पास मॉलिकुलर मास ऑफ ओजोन है जैसे ही हम ए एम यू यूनिट को रिप्लेस कर देते हैं ग्राम से तो ये हमारे पास हो जाता है फोर्टी एट और ये इक्वल है हमारे पास वन मोल के सो वन मोल ऑफ ओजोन का मास होता है फोर्टी एट ग्राम्स फाइंड आउट करना है हमने नाइन पॉइंट जीरो फाइव मोल्स ऑफ ओजोन का क्या मास होगा सो so, इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे सो so, आप देख सकते हैं कि फोर्टी एट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया नाइन पॉइंट जीरो फाइव से डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया वन मोल 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 के साथ कैंसिल हो गया और यहाँ पर हमारे पास रह गया ग्राम्स सो यहाँ पर आ गया हमारे पास आंसर फोर थर्टी फोर पॉइंट फोर ग्राम्स ऑफ ओजोन क्वेश्चन है वेन नेचुरल गैस बर्न्स कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड यानी जब नेचुरल गैस जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है इफ़ 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कि अगर हमारे पास 0.25 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है कैलकुलेट द मासबन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस तो हमने कैलकुलेट करना है की कि कितना मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है, moles है और फाइंड आउट हमने करना है मास ऑफ कार्बन डाइ ऑक्साइड प्रोड्यूसड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को और इसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे मोज को मास में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है यही वजह है कि इसका हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है मोलर मास के लिए फाइंड आउट करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को सो so यहाँ पर कार्बन जिसका एटॉमिक मास हमारे पास है ट्वेल्व प्लस ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास हमारे पास 16 है क्योंकि यहाँ पर टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है आप देख सकते हैं सी ओ टू में ऑक्सीजन के टू एटम्स हैं यही वजह है कि हम 16 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर लेंगे टू के साथ और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 44 फोर ए एम यू के सो so, पर हमारे पास ये आ गया 44 फोर ए यू जो कि मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जैसे ही हम ए एमयू यूनिट को रिप्लेस कर देंगे ग्राम से सो तो आप देख सकते हैं कि 44 फोर ग्राम्स हमारे पास इक्वल होते हैं वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के जो कि हमारे पास मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है सो so, हमने फाइंड आउट कर लिया कि वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल होता है 44 फोर ग्राम्स के और अब फाइंड आउट करना है कि 0.25 पॉइंट टू ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास क्या मास होगा इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे सो आप देख सकते हैं कि 44 फोर इंटू हमने ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की डिवाइडेड बाय वन मोल सो ये इक्वल हो गया हमारे पास 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पर मोल मोल के साथ कैंसिल हो गया और ये हमारे पास ग्राम्स खाली यूनिट में बच गया ठीक है और ये हमारे पास आंसर आ गया एलेवन ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो सो so, 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि प्रोड्यूस हुआ 0.25 पॉइंट मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से चैनल पर अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट के लिए डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे